ग्वालियर से बड़ी खबर आ रही है, जहां प्रमुख सचिव बीपी सिंह और डीजीपी ऋषि कुमार शुक्ल का दौरा है। आपको बता दें, 2 अप्रैल को जो हिंसा हुई थी उसी को लेकर यह समीक्षा बैठक शुरू हो गई है। जिला प्रशासन और कई जनप्रतिनिधि बैठक में शामिल होंगे। तो ग्वालियर से आपको खबर दे रहे हैं, जहां प्रमुख सचिव बीपी सिंह और डीजीपी ऋषि कुमार शुक्ल का दौरा है। 2 अप्रैल को हिंसा हुई थी उसी को लेकर यह समीक्षा बैठक शुरू की गई है। आपको बता दें, जिला प्रशासन और कई जनप्रतिनिधि इस बैठक में शामिल होंगे। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता रंजीत हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी रंजीत, 2 अप्रैल को हिंसा को लेकर समीक्षा बैठक शुरू हो गई है, प्रमुख सचिव बीपी सिंह और डीजीपी ऋषि कुमार शुक्ल का दौरा है, क्या कुछ साझा अपडेट्स? अभी बैठक लगातार चल रही है और अधिकारी उन उन क्षेत्रों की समीक्षा कर रहे हैं और उन जनप्रतिनिधियों को बुलाया गया है जो उन क्षेत्रों में रहते हैं, उनसे चर्चा की जा रही है। बैठक में बताया जा रहा है कि जो 10 और 14 तारीख का जो बंद को लेकर चर्चा चल रही है उसको वो ना हो, उसको लेकर और जनप्रतिनिधियों से चर्चा की जा रही है और कहा ये भी जा रहा है कि हिंसा क्यों हुई, क्या कारण रहा, उनसे उन जनप्रतिनिधियों से फीडबैक किया और आगे ऐसी घटना ना हो उस पर भी चर्चा की जा रही है। जी, अगर ग्वालियर की बात करें तो देखा जाए, हिंसा के बाद अभी वहां पे स्थिति कैसी है और कितने आरोपी अभी तक पकड़ाए गए हैं? नहीं, अभी तक लगभग 100 लोगों को राउंड ऑफ किया है, 45 लोगों से लोगों की जो जिनमें मामला दर्ज हुआ है, लगातार कार्रवाई अभी भी जारी है, लगातार उन लोगों से चर्चा की जा रही है और उन लोगों को पकड़ा रहे। सोशल मीडिया पर इस तरह से जो जो बयान आ रहे हैं उनको उन पर भी नजर पुलिस रख रही है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे तमाम जानकारी साझा करने के लिए।